सभी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है जानकारी अपडेट देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है ट्रैफिक पुलिस के 2000 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती बम्पर भर्ती निकलकर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। यदि आप ट्रैफिक पुलिस बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीट लास्ट तक जरूर देखना। आप लोगों को एक एक चीज़ कम्प्लीट पूरे डिटेल्स देने वाला हूँ, कम्प्लीट डिटेल्स, जिससे आप लोगों को ट्रैफिक पुलिस भर्ती परीक्षा से रिलेटेड ए टू जेड जानकारी मिल जाएगा और आप एग्ज़ाम्स को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और देखिए, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है और इस समय आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक जो है नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नई नई नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए एक के बाद एक जो है निकल के आ रहे हैं। तो बस आप लोगों को अच्छे से मेहनत करना, आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना। यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठा करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा और आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें योग्यता की कि ट्रैफिक पुलिस भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए आपके पास जो है क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 12वीं पास होना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए सिर्फ आपका 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। तो ट्रैफिक पुलिस भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट आपका 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम जो है 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं आपको 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, वहीं यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं आपको 3 वर्ष का छूट जो है इसमें देखने को मिलता है। तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 वर्ष के हैं आप आवेदन कर सकते हैं, वहीं यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 वर्ष के हैं आप इसमें आराम से जो है आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें आपका जो है डायरेक्ट भर्ती होता है, सीधी भर्ती होता है किसी भी प्रकार के, और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल होता है। ट्रैफिक पुलिस में कोई भी वो पुलिस विभाग में जब आप लोग आवेदन करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, तो इसमें बेहद ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका फिज़िकल एग्ज़ाम। तो फिज़िकल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आपको जो है बहुत अच्छे से करना है, तैयारी अच्छे से करना है ताकि आपका सिलेक्शन जो है हो जाए। तो सिलेक्शन प्रोसीजर पहले फिज़िकल होगा, रिटर्न एग्ज़ाम, देन मेडिकल टेस्ट। सैलरी की बात करें ट्रैफिक पुलिस भर्ती परीक्षा में तो इसमें जो है 14,500 रुपया जो आपको पर मंथ सैलरी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है एक तरह से। इसके साथ हम बात करें कि कटअप जो है कितना जाएगा, आवेदन आपको कब करना है, आवेदन करने के लास्ट डेट क्या है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, देखिए इस समय अगले साल 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो उससे पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक जो है नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकल कर आएंगे। तो बस सिर्फ आपको अच्छे से मेहनत करना, आपको अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि शायद अगर आप इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटीज़ को यदि अपने हाथ से जाने देंगे, खो देंगे, तो शायद ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी से सुनहरा मौका आपको ज़िंदगी में शायद दोबारा कभी भी नहीं मिल पाएगा। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसीज, नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज निकल के आ रहे हैं। तो बस आपको अच्छे से मेहनत करना, आपको अच्छे से तैयारी करना। यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, तो एक बेहतर रिजल्ट जो है मिलेगा और आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। और कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है मुश्किल नहीं है, बस उसके लिए आपको जो है मेहनत करना होता है, हार्डवर्क करना होता है। यदि आपका हार्डवर्क और पेशेंस है सब्र रख सकते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा और आपको जो है ज़िंदगी में सफलता और सक्सेस मिलेगा, क्योंकि बिना मेहनत किए बिना कामयाबी, कामयाब तभी होंगे जब आप जो है हार्डवर्क करेंगे, सब्र रखेंगे, मेहनत करेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके मेहनत कीजिए, मेहनत के ऊपर जो है भरोसा कीजिए, क्योंकि मेहनत जो है हमें कभी भी धोखा नहीं देती। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद के ऊपर आपको भरोसा करना ही सबसे मेन ताकत है। अपने आप पर जितना हो सके भरोसा कीजिए कि हाँ, मैं इस कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकता हूँ। देखिए, दुनिया में आपके ऊपर बोलने वाले बहुत से लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत नहीं है कि तुम किसी भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सको, तुम्हारे अंदर वो क्षमता ही नहीं है। लेकिन आप तो जानते हैं कि आपके पास कैपेबिलिटी क्या है, आपके पास क्षमता क्या है, इसलिए लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, लोगों का ओपिनियन आपके बारे में क्या है, आपको उसके ओपिनियन से बिल्कुल भी कोई भी मतलब नहीं रखना है। सिर्फ आपको अपने पर फोकस करना है, अपनी स्टडी पर, अपने पढ़ाई पर जो है फोकस रखना है, क्योंकि ज़िंदगी आपको सिर्फ एक ही बार मिले। और इस ज़िंदगी में आप अपने सभी सपनों को, अपने सभी ख्वाबों को अगर पूरा नहीं कर सके तो मतलब आपकी ज़िंदगी का कोई भी मतलब नहीं है। तो ज़िंदगी में आपके जो भी सपने हैं, अपने सपने के लिए जो है आगे बढ़ो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो है जी जान से जी तोड़ जो है हार्डवर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना मेहनत कीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी आपको मिली है। तो ज़िंदगी, एक ही ज़िंदगी में आपको आपके जो भी सपने, आपके जो भी ख्वाब हैं, उन सभी ख्वाबों को पूरा करने के लिए, उन सभी सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना होगा। तो जितना ज़्यादा हो सके मेहनत कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके स्टडी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, आपको ज़िंदगी में कामयाबी और सफलता जो है ज़रूर मिल पाएगा, क्योंकि कामयाबी सफलता तो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे। तो जितना हो सके मेहनत कीजिए, आपको भी ज़िंदगी में कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी।
सफलता की ऊंचाइयों को शिखर को पाने के लिए हमें आज मेहनत करना होगा और अपने पास्ट के बारे में सोच सोच कर अपना फ्यूचर ख़राब मत करो, क्योंकि आप इससे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। आप देखिए, पास्ट में जो चीज़ आपके साथ हुआ उसे तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाले कल को बदल सकते हैं। तो आने वाले कल को बदलने के लिए सिर्फ हमें अपने वर्तमान पर, सिर्फ प्रेजेंट पर मेहनत करना होगा। तो जितना ज़्यादा हो सके वर्तमान के क्षणों पर जो है, जो पल अभी चल रहा है, तो वर्तमान पर अपना ध्यान जो है केंद्रित करो, तभी तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे और कुछ कर पाओगे। अगर तुम अपने सिर्फ पास्ट के बारे में सोचते रहोगे या भविष्य के बारे में, तो कुछ भी नहीं होने वाला। आप प्रेजेंट में अच्छे से मेहनत कीजिए, भविष्य आपका ही होगा। तो छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक पुलिस के 2000 पदों पर काफ़ी महत्वपूर्ण अपकमिंग भर्ती वैकेंसीज निकल कर आने वाला है। तो इस भर्ती परीक्षा एग्जाम्स की तैयारी हम जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं और डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। और इस समय छत्तीसगढ़ में अनेकों जो है नई नई वैकेंसीज, नई नई भर्ती विज्ञापन एक के बाद एक आप लोगों के लिए जारी हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको जो है स्ट्रगल करना है, जितना ज़्यादा हो सके आपको जो है मेहनत करना है, तैयारी करना है, तभी आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो पाएगा। अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, फुल फोकस एफर्ट नहीं लगाएंगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है, आपको ही अपनी ज़िंदगी को बदलना है। ये मौके जो समय है वो आपको अपनी ज़िंदगी में जो है बार बार नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए आपको मैं बोलता हूँ इस समय का अच्छे से यूज़ कीजिए, क्योंकि एक बार अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो आपको शायद ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिल पाएगा। फिर आप ज़िंदगी भर खुद को कोसते रहोगे, सोचते रहोगे, अफसोस करते रहोगे, रोते रहोगे, और ये समय कभी भी नहीं मिल पाएगा और आप ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन अवश्य रूप से हो पाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो से आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और देखिए, आपका अगर कोई भी डाउट्स है, तो आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई जो मैं अवश्य करूँगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को एक के बाद एक जो है नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड अप टू डेट वीडियो जो है मिलते रहेंगे। तो आप लोगों का इसी तरह से प्यार और सपोर्ट रहा, तो मैं आप लोगों के लिए एक के बाद एक जो है नई नई वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मैं वीडियोस क्रिएट करता हूँ, बहुत मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक पुलिस के 2000 पदों पर बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसीज जो आने वाला है, तो इस महत्वपूर्ण वैकेंसीज के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कभी भी नोटिफिकेशन जो है जारी हो सकते हैं, प्रकाशित हो सकते हैं। तो जब भी इस ट्रैफिक पुलिस भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट्स निकल कर आएगा, मैं आप सभी स्टूडेंट को बता दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।